प्रधानमंत्री जहां एक और आकाशवाणी को मन की बात की सौगात देकर एक नया रेडियो क्रांति भारत में ले आए हैं, वहीं दूसरी ओर आकाशवाणी के ढुलमुल प्रशासनिक रवैये से उनके इस क्रांति को पलीता भी लग सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर आकाशवाणी केंद्र के दुर्व्यवस्था की। ये आकाशवाणी अब संपादक विहीन हो गया है, जिसकी वजह से अब गोरखपुर की खबरें लखनऊ आकाशवाणी केंद्र से मॉनिटरिंग की जाएंगी और साथ ही खबरों का स्वरूप और हेडलाइन भी सूबे की राजधानी से ही तय किया जाएगा। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि गोरखपुर आकाशवाणी केंद्र में केवल और केवल कैजुअल कर्मचारी ही रह गए हैं और इतने बड़े आकाशवाणी केंद्र में अब तो संपादक ही नहीं रहा। आकाशवाणी केंद्र में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि जब मुखिया ही नहीं तो कैजुअल समाचार वाचकों मुलाजिमों से आकाशवाणी कैसे चलेगा, ये सोचने की बात है। और अधिकारियों की मन की क्या बात है, ये तो वह खुद ही जाने। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की रेडियो क्रांति पर निश्चित रूप से नकारात्मक असर ही पड़ेगा। आपको बताते चले कि न्यूज यूनिट की निगरानी लखनऊ और दिल्ली से हो रही है, वहीं से प्रति सप्ताह की टर्म और समाचार प्रभाग में न्यूज एडिटर आते हैं और उधर बजट के कारण कार्यक्रम प्रभाग में प्रोग्रामों की रेगुलर रिकॉर्डिंग बंद है। सूत्रों के अनुसार कारण दूसरा ही है, जो वक्त आने पर पता चलेगा। केवल स्पेशल और आउटडोर की ही रिकॉर्डिंग हो रही है, वो भी डिसाइड करते हैं कि यहाँ के प्रोग्राम हेड जो केंद्र निदेशक भी हैं।